एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आइल्स विद एमके। आई होप गाइस यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर विद यू राइटिंग टास्क वन ऑफ एकेडमिक। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको राइटिंग टास्क वन में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी आती है। ओके, सो इस वीडियो में मैं आपके साथ हर एक चीज़ शेयर करूँगी जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट है। ठीक है, अगर आप लोग अच्छे बैंड स्कोर को गेट करना चाहते हो तो इस वीडियो के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ओके, सो डिस्कस क्या करेंगे हम इस वीडियो में, वो है हाउ टू राइट कॉम्बिनेशन ग्राफ। कॉम्बिनेशन का जो ग्राफ होता है उसको हम कैसे लिखेंगे। अब कॉम्बिनेशन कैसे, जैसे आपको टास्क वन में बोला होता है कि आपने टेबल या फिर बार दोनों को एक्सप्लेन करना है, सो ये दोनों क्या होगी, कॉम्बिनेशन होगी। तो इन दोनों को कैसे एक्सप्लेन करना है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को सिंपल तो लिखना आता है, ठीक है, लेकिन कॉम्बिनेशन लिखने में प्रॉब्लम आती है। बट डोंट वरी, मैं आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक सब कुछ टीच करूँगी इस वीडियो में। सो गाइस, आप लोगों ने क्या करना है, चैनल को शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी कर देना है। ठीक है, जिन बच्चों को सिंपल में प्रॉब्लम आती है, सिंपल लिखने में प्रॉब्लम आती है, सो गाइस उनको मैं यही बात सजेस्ट करूँगी, इस वीडियो में मैं आपको जो जो वर्ड्स बताऊँगी उसको पिक करो। ठीक है, और आपने सैम्पल आंसर देखने हैं प्लेलिस्ट में जाकर सिंपल वाले। ठीक है, उन सैम्पल आंसर को देखो कि कैसे लिखा हुआ है मैंने। ठीक है, क्योंकि अगर आपको सिंपल लिखने में प्रॉब्लम आती है तो आप कॉम्बिनेशन नहीं लिखोगे। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले सिंपल होता है हमारा बेसिक और कॉम्बिनेशन है हमारा एडवांस लेवल। सो इसी वजह से सबसे पहले बेसिक को क्लियर करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप उस वीडियो को चेक करो, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको वोकैबुलरी प्रोवाइड करूँगी, उस वोकैबुलरी को आपने लिखना ही लिखना है। वो वर्ड्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है राइटिंग टास्क वन में। ठीक है, मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश करूँगी। वीडियो को कंसंट्रेशन के साथ देखोगे तो ऑटोमेटिकली आपके सारे डाउट्स हैं वो धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अब आपके ऊपर है कि आप इस वीडियो का कितना बेनिफिट लेना चाहते हो। ओके, सो करते हैं स्टार्ट फिर आज की वीडियो। सबसे पहले हम बात करेंगे टिप्स की, क्योंकि जो टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पैरेटिव होती हैं। ठीक है, अगर आपको टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में पता है तो आप इजीली इनको सॉल्व कर सकती हो। ठीक है, तो सबसे जो मेरी मेन टिप है वो है प्लानिंग। हमेशा प्लानिंग तो करनी ही है आप लोगों ने। ठीक है, चाहे फिर वो किसी भी टाइप का ग्राफ हो, टास्क वन हो, टास्क टू हो, प्लानिंग तो करनी ही करनी है। ठीक है, अब आप बोलोगे कि प्लानिंग कैसे करनी है। सो गाइस, प्लानिंग मैंने हर एक सैम्पल आंसर में आपको प्रोवाइड की हुई है। आप उन वीडियोस को चेकआउट करो, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी कि हम बार ग्राफ की कैसे प्लानिंग करेंगे, डायग्राम की कैसे करनी है, प्रोसेस की, मैप की, एवरीथिंग आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ से देखो प्लानिंग कैसे की है। ठीक है, अगर प्लानिंग नहीं करोगे तो कभी भी इफ़ेक्टिव बैंड स्कोर नहीं आएंगे। यही एक मेन रीज़न होता है कि क्यों आपके हमेशा 5.5 या फिर 5 बैंड ही रह जाते हैं राइटिंग में। ठीक है, क्योंकि जब तक प्लानिंग नहीं होगी तो इफ़ेक्टिवनेस और एफिशिएंसी नहीं होगी। ठीक है, सो सेकंड है कनेक्टर्स। कनेक्टर्स भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। बहुत बच्चे कनेक्टर्स को रिपीट करते हैं, जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली आपके बैंड स्कोर हैं वो डिडक्ट होते ही होते हैं। रेपिटेशन कनेक्टर्स में नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज़ वो आपके बैंड स्कोर को डेफिनेटली इम्पैक्ट डालेंगे। वो नेक्स्ट है वोकैबुलरी। अगर मैं वोकैबुलरी की बात करूँ तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ वर्ड्स बताऊँगी, उनको आपने फॉलो करना है। ठीक है, और वोकैबुलरी हमेशा एवरेज लेवल की यूज़ करनी है। कभी भी एडवांस लेवल वोकैबुलरी के ऊपर इतना ज़्यादा एम्फसिस देने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर हम एवरेज लेवल के वर्ड्स यूज़ करेंगे तो भी हमारे बहुत अच्छे बैंड स्कोर आ जाएंगे, क्योंकि अगर हम ज़्यादा एडवांस लेवल को यूज़ करने लग पड़े वर्ड्स का तो उससे क्या होगा कि
आपको उसका प्रॉपर वे से यूज़ करना नहीं आएगा। सेकंड बात, अगर उस वर्ड का मीनिंग कुछ और हुआ तो आपने वैसे ही उसको लिख दिया तो भी आपके बैंड स्कोर डिडक्ट होंगे, ठीक है। अगर एग्जामिनर को वो समझ में नहीं आया वर्ड तो भी बैंड स्कोर डिडक्ट होंगे। थर्ड, अगर वो इनफॉर्मल हुआ तो भी बैंड स्कोर आपके डिडक्ट होंगे। सो इससे अच्छा कि एवरेज को पिक करो, ठीक है। देन उसके बाद सेंटेंसेस, सैम्पल आंसर की वीडियोस में मैंने सभी आपको बताए हुए हैं कि कैसे कैसे हमने लिखने होते हैं, टू का यूज़ कैसे करना है, बाय का कैसे करना है, रिस्पेक्टिवली का कैसे करना है, पैसिव का कैसे करना है, हर एक चीज़ आपको सैम्पल आंसर की वीडियोस में मिल जाएगी, ठीक है। आप उनको ज़रूर चेकआउट करो, आप लोगों के लिए ही वो बेनिफिशियल होगी, ठीक है। स्ट्रक्चर की बात करें, अब जो हमारा सिंपल होता है उसका स्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंट होता है और कॉम्बिनेशन का डिफरेंट होता है। इस वीडियो में मैं आपको दोनों ही स्ट्रक्चर क्लियर करूँगी कि सिंपल का क्या होता है और हमारा जो कॉम्बिनेशन वाला है उसका क्या स्ट्रक्चर है, ओके। अगर अब तक वीडियो बेनिफिशियल लगी हो तो ज़रूर चैनल को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करें, ओके, और फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। नेक्स्ट देखते हैं, डोंट ऐड अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन। अपनी तरफ से कोई भी इन्फॉर्मेशन राइटिंग टास्क वन में नहीं लिखनी है। जो हमें ग्राफ में, डायग्राम में जो गिवन है बस उसी को ही लिखना है, खुद से नहीं लिखना, कुछ भी ऐड नहीं करना उसमें, ठीक है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कोई भी डाटा आपने स्किप नहीं करना है, क्योंकि मैंने बहुत सारे बच्चे देखे हैं जो कि डाटा को स्किप करते हैं। सो गाइस, अगर डाटा स्किप करोगे तो बैंड स्कोर भी वैसे ही आएंगे आपके। ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कैसे उसको एक्सप्लेन करते हो। इस मेथड को फॉलो करोगे तो ऑटोमेटिकली आपके 7.5 प्लस बैंड स्कोर आना राइटिंग में स्टार्ट हो जाएंगे। सो गाइस, अब ज़्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हुए मैं आपको कुछ वर्ड्स के बारे में बताती हूँ, टाइप्स के बारे में बताती हूँ, हर एक चीज़ मैं इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। सो ये बिल्कुल डिटेल वीडियो होगी। सो करते हैं स्टार्ट फिर, अब हम टाइप से स्टार्ट। सो गाइस, आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो राइटिंग टास्क वन होता है एकेडमिक का, उसके टाइप्स के बारे में मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। सबसे पहले जो उसकी टाइप है वो है लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, पाई, टेबल, फ्लो, प्रोसेस, डायग्राम, मैप, ठीक है। ये सारी टाइप्स होती हैं, इनमें से कोई भी आपको एक आ जाएगी या फिर टू टाइप्स कंबाइन करके आएगी आपको फाइनल एग्ज़ाम में। और बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि टास्क वन को इम्पॉर्टेंस ही नहीं देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है आप लोगों ने। जितनी इम्पॉर्टेंस टास्क टू को दे रहे हो उतनी ही इम्पॉर्टेंस टास्क वन को भी आपको देनी पड़ेगी, क्योंकि इसकी जो वेटेज होती है वो होती है 3 बैंड की, ठीक है। टास्क वन हमारा 3 बैंड का होता है, चाहे फिर वो जनरल हो चाहे फिर वो एकेडमिक हो, ठीक है। अच्छे से क्लियर हुआ आपको? सो इसमें अगर हम बात करें सिंपल वाला होता है जो, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसकी अगर हम बात करें तो वो है, सबसे पहले आएगी इंट्रोडक्शन, ठीक है। सिंपल वाले में सबसे पहले आपने इंट्रोडक्शन लिखनी है, देन बॉडी पैराग्राफ 1, बॉडी पैराग्राफ 2, एंड लास्ट में आपने लिखना है ओवरऑल। बहुत बच्चे इंट्रोडक्शन के बाद ओवरऑल लिखते हैं, लेकिन वो बिल्कुल ही रॉन्ग मेथड है, क्योंकि ओवरऑल का मतलब होता है कि पूरे में मेन बात क्या हुई है, उसका कंक्लूजन आपने निकालना होता है। सो कंक्लूजन इंट्रोडक्शन एक्सप्लेनेशन के बाद ही हम उसको कंक्लूड कर सकते हैं ना कि इसमें मेन बात क्या हो रही है। सो दैट्स द मेन रीज़न कि ओवरऑल हमेशा लास्ट में आता है, इंट्रोडक्शन के बाद नहीं आएगा, ठीक है। हमेशा गाइस एक टीचर को फॉलो किया करो, क्योंकि कि हर एक टीचर का अपना अपना वे होता है, तो आप कंफ्यूज होते हो कि हमें कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो करना चाहिए, ठीक है। तो कई क्या करते हैं कि इंट्रोडक्शन के बाद भी लिखते हैं, ठीक है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आपने किस टीचर को फॉलो करना है, ठीक है। अगर मेरे को फॉलो करते हो तो ओवरऑल लास्ट में लिखना है, लेकिन हर टीचर अपना बेस्ट देता है, ठीक है। लेकिन फॉलो हमेशा एक को किया करो,
क्योंकि आपके माइंड में कन्फ्यूज़न होगी फिर, ठीक है। सो इससे अच्छा कि एक टीचर को फॉलो करो, इफ़ेक्टिव वे से करो, तो ऑटोमेटिकली बैंड स्कोर आपके बहुत अच्छे आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि कन्फ्यूज़न नहीं होगी आपके माइंड में, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है कि ओवरऑल इंट्रोडक्शन के बाद नहीं लिखना है, ठीक है। अगर हम लोग बात करें वोकैबुलरी की, क्योंकि बहुत बच्चे रेपिटिशन करते हैं, सो इसीलिए मैंने सोचा कि आज मैं आप लोगों के साथ वोकैबुलरी शेयर करती हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, ठीक है। जो बहुत ज़्यादा रिपीट वर्ड होते हैं राइटिंग टास्क वन में, वो मैं आज आपको बताऊंगी, ठीक है। सबसे पहले जो फर्स्ट वर्ड बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है वो है शोज़, ठीक है। शोज़ इसकी प्लेस पर आप क्या क्या लिख सकती हो वो मैं आपको बताती हूँ। सो गाइस, मैं आपको ये बात कहना चाहती हूँ कि ये सारे वर्ड्स को आपने नोटबुक के ऊपर लिखना है, ठीक है। जब भी टास्क वन लिखोगे तो इन वर्ड्स का ज़रूर यूज़ करना है। ये नहीं कि कॉपी के ऊपर लिख लिया और उसको नहीं देखा बाद में, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। उसको यूज़ भी किया करो, इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है आइल्स के एग्ज़ाम में। सो जो वर्ड्स बता रही हूँ उसको इम्प्लीमेंट करो, ऑटोमेटिकली रेपिटेशन कम होगी। तो अगर हम शोज़ की बात करें तो शोज़ की जगह आप बोल सकते हो इंडिकेट्स। आपको आता है ना क्वेश्चन द ग्राफ शोज़, तो आप बोल सकते हो द ग्राफ इंडिकेट्स, ठीक है। ग्राफ इलस्ट्रेट्स, डिस्क्राइब, गिव्स, रिप्रेजेंट, डेमोस्ट्रेट। 6 वर्ड मैंने आपको बता दिए हैं किससे रिलेटेड, शो से रिलेटेड। अब ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कौन सा वर्ड यूज़ करना चाहते हो, ठीक है। इनको अच्छे से नोटबुक के ऊपर लिखो और इम्प्लीमेंट करो, ठीक है। फिर आता है डाटा अबाउट, तो इसकी प्लेस पर आप क्या लिख सकते हो, द नंबर ऑफ, द प्रोपोर्शन ऑफ, द इंफॉर्मेशन ऑन, द इंफॉर्मेशन अबाउट। ये सारी चीज़ें आप डाटा अबाउट की जगह पर लिख सकते हो। आपको दिया होता है ना कि ये डाटा बताता है इसके बारे में, तो डाटा की जगह आप नंबर ऑफ लिख सकते हो, प्रोपोर्शन लिख सकते हो, इन्फॉर्मेशन ऑन लिख सकते हो, इन्फॉर्मेशन अबाउट लिख सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड है, ओके गाइस। ये सारे मेरे नोट्स हैं जो मैंने खुद यूज़ किए थे जब मैं आइल्स की प्रेपरेशन कर रही थी, ठीक है। सो परसेंटेज की जगह आप क्या लिख सकते हो, बहुत स्टूडेंट क्या करते हैं, परसेंटेज वर्ड को बार बार रिपीट करते हैं। अगर रेपिटेशन होगी तो आपको पता ही है फिर बैंड स्कोर डिडक्ट होंगे, ठीक है। सो परसेंटेज की जगह आप कौन सा वर्ड यूज़ कर सकते हो, वो है परसेंटम, ठीक है। परसेंटम, प्रोपोर्शन, डाटा, रेट, रेशियो, पोर्शन, ठीक है। परसेंटम, प्रोपोर्शन, डाटा, रेट, रेशियो, पोर्शन, ठीक है। ये थे हमारे सारे इंट्रोडक्शन को डिफाइन करने के लिए, और आप परसेंटेज ये सारे आप BP1 में भी लिख सकते हो, क्योंकि वहाँ पे भी हमें बोलना होता है कि इतनी परसेंटेज वो शो कर रहा है, तो आप कह सकते हो इतनी प्रोपोर्शन वो शो कर रहा है, इतनी रेशियो शो कर रहा है। सो दैट्स व्हाई इन वर्ड्स को यूज़ किया करो, अपने आप आपको अच्छे रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। अगर हम बात करें कि BP1 को हमने स्टार्ट कैसे करना है, ठीक है, बहुत बच्चों को इसमें प्रॉब्लम आती है कि हम एक्चुअल में स्टार्ट कैसे करें BP1 को, ठीक है। तो BP1 होता है जो राइटिंग टास्क वन में, उसमें आप स्टार्ट कर सकते हो 5 मेथड से। 5 वेज हैं उसको डिफाइन करने के। सबसे पहला है, सो आप कह सकते हो इट कैन बी सीन क्लियरली दैट, ठीक है। इट कैन बी सीन क्लियरली दैट अकॉर्डिंग टू बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, जो भी आपको गिवन होगा आपने उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे नेम आगे लिख देना है, बाकी सारा सेम रहेगा, ठीक है। थर्ड है एज शोन इन द
की यूज़ कर सकते हो, ठीक है, जैसे एज शोन इन द लाइन ग्राफ, ठीक है। नेक्स्ट है इट इज़ क्लियर दैट, इट इज़ क्लियर दैट। नेक्स्ट है इट इज़ एविडेंट दैट, ठीक है। लास्ट है एज कैन बी सीन फ्रॉम द लाइन ग्राफ, एज कैन बी सीन फ्रॉम टेबल चार्ट, ठीक है। सो इसमें से कोई भी एक पिक कर लो, मैंने तो हमेशा फर्स्ट वाला ही पिक किया है। आपने देखा होगा मेरे सारे सैम्पल आंसर में यही होता है, मैं इसी को ही हमेशा यूज़ करती हूँ। सो बीपी को तो हमने एक बार ही स्टार्ट करना होता है, बार बार थोड़ी उसको हमने स्टार्ट करना होता है। सो दैट्स वाई एक कनेक्टर इनफ है, ठीक है। आपके ऊपर डिपेंड है, कोई भी पिक करो जो आपको ईजी लगता है, ठीक है, बट फर्स्ट वाला ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। सो दैट्स वाई मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि फर्स्ट को लिखा करो, ओके। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं इंक्रीज़ की। बहुत ज़्यादा यूज़ इंक्रीज़ का होता है राइटिंग टास्क वन में, तो बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि इतने ज़्यादा वर्ड्स हम कहाँ से लेकर आएँ। और मुझे कमेंट सेक्शन में भी किसी ने बोला था कि हमें ना वोकैबुलरी नहीं आते, हमारी ना बहुत सारे वर्ड्स हैं वो रिपीट होते हैं, हमें इंक्रीज़ डिक्रीज़ के बारे में नहीं पता कि और हम उसकी प्लेस पर क्या लिख सकते हैं। डोंट वरी, ये सारे वर्ड्स का यूज़ करो, ऑटोमेटिकली पॉजिटिव रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। सबसे पहला वर्ड है क्लाइम, ठीक है, गो अप, अपवर्ड, शूट अप, इनक्लाइन, एक्सपैंड, राइज, सर्च। क्लाइम, गो अप, अपवर्ड, शूट अप, इनक्लाइन, एक्सपैंड, राइज, सर्च। आई होप अच्छे से क्लियर होंगे आपको। नेक्स्ट हम बात करते हैं फॉल के बारे में। जब डाटा डिक्रीज होता है, फॉल होता है, ठीक है, जैसे ऐसे डिक्रीज होता है तो उसको हम फॉल भी बोलते हैं। तो इसकी प्लेस पर हम क्या क्या वर्ड यूज़ कर सकते हैं, सो वो है सबसे पहले डिक्लाइन, ठीक है। सबसे पहले आप डिक्लाइन वर्ड का यूज़ कर सकते हो। सेकंड, ड्रॉप, डिक्रीज, गो डाउन, प्लम्प्ट, प्लंज, रिड्यूस, डिमिनिश, गोज डाउन, कम डाउन, ठीक है। डिक्लाइन, ड्रॉप, डिक्रीज, गो अप, प्लम्प्ट, प्लंज, रिड्यूस, डिमिनिश, गोज डाउन, कम डाउन, ये सारे वर्ड्स आपको डिक्रीज से रिलेटेड हैं, ठीक है। आई होप अच्छे से क्लियर होंगे ये भी आपको। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वो है फ्लक्चुएशंस। अब प्रॉब्लम आती है कि फ्लक्चुएशंस होती क्या है। फ्लक्चुएशन होता है कि जब डाटा आपको ऐसे मोशन में गिवन होता है ना, तो उसको हम बोलते हैं फ्लक्चुएशन, कि डाटा फ्लक्चुएट कर रहा है, कभी नीचे जा रहा है कभी ऊपर जा रहा है, इसको हम बोलते हैं फ्लक्चुएशन, ठीक है। और बहुत सारे बच्चे हैं जिनको फ्लक्चुएशन के अल्टरनेटिव वर्ड्स नहीं पता हैं। सो आप इसको बोल सकते हो वेरिएशंस, कि डाटा में काफ़ी ज़्यादा वेरिएशंस आ रही हैं, ठीक है। डाटा ज़िगज़ैग मोशन में चल रहा है, डाटा में बहुत ज़्यादा अल्ट्रेशंस आ रही हैं, अल्ट्रेशन मीन चेंजेस आ रही हैं, ठीक है। फ्लक्चुएशंस मैंने आपको बता दिया। और लास्ट है हमारा अप्स एंड डाउन, ठीक है, कभी अप जा रहा है कभी नीचे आ रहा है, कभी ऊपर जा रहा है कभी नीचे आ रहा है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं फ्लक्चुएशन। फ्लक्चुएशन की जगह पर अप्स एंड डाउन, वेरिएशन, ज़िगज़ैग, अल्ट्रेशंस। आई होप क्लियर होगा ये भी आपको। अब हम बात करते हैं, हमारा जो नेक्स्ट है वो है फ्लैट। फ्लैट, फ्लैट मतलब सीधा, बिल्कुल स्ट्रेट, इसको हम बोलते हैं फ्लैट, ठीक है। अब ये तो आपको पता है कि इसको हम फ्लैट बोलते हैं। अब प्रॉब्लम आती है कि इसकी जगह पर और कौन सा वर्ड हम यूज़ कर सकते हैं, वो है रिजिड। रिजिड, ठीक है, कि डाटा रिजिड है। सेकंड, नो चेंज, डाटा में कोई चेंज नहीं हुआ, क्योंकि वो स्ट्रेट है ना, ना वो अप गया ना डाउन गया, सीधा वो स्ट्रेट है। सो दैट्स वाई नो चेंज। सेम, थर्ड है सेम, कि डाटा सेम ही है, ठीक है। फिर उसके बाद कॉन्स्टेंट, डाटा कॉन्स्टेंट है। फिफ्थ, स्टेबल है, डाटा बिल्कुल स्टेबल है, उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है, यूनिफॉर्म है डाटा।
इसका मतलब भी सेम है, फ्लैट है, उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा, वो बिल्कुल सीधे का सीधा ही है। ठीक है, फ्लैट की जगह क्या आएगा, रिजिड, नो चेंज, सेम, कॉन्स्टेंट, स्टेबल, यूनिफॉर्म। आई होप अच्छे से क्लियर होगा। नेक्स्ट हम बात करें इक्विवेलेंट की, तो इसका मतलब होता है इक्वल। ठीक है, इक्वल, सिमिलर, जब आप बोलते हैं ना कि ये डाटा बिल्कुल इसके सेम है, ठीक है, तो आप बोल सकते हो इक्विवेलेंट है, इक्वल है, सिमिलर है, आइडेंटिकल है, कंपेरेबल है। ठीक है, इक्वल, सिमिलर, आइडेंटिकल, कंपेरेबल, इक्विवेलेंट, ये सारे वर्ड्स आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बोन की तरह काम करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारे एडवर्ब की हम बात करें, अगर एडवर्ब में आप यूज़ कर सकते हो रैपिडली, रैपिडली, ड्रामेटिकली, ग्रेजुअली, शार्पली, स्टीडली, स्लाइटली, सिग्निफिकेंटली। रैपिडली मतलब तेज़ी से, ड्रामेटिक भी मीन्स तेज़ी से, ग्रेजुअली मीन्स धीरे धीरे, शार्पली मीन्स तेज़ी से, स्टीडली मतलब धीरे धीरे, ठीक है, स्लाइटली भी धीरे धीरे होता है, और सिग्निफिकेंटली मतलब तेज़ी से। ठीक है, आई होप अच्छे से क्लियर होंगे आपको। नेक्स्ट अगर हम बात करें फर्दर मोर की, कि फर्दर मोर की प्लेस पर और कौन कौन से वर्ड्स हैं जो हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा, आपकी रेपिटेशन बहुत कम होना स्टार्ट हो जाएगी, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। ठीक है, अगर अब तक वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करना, और ज़रूर अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने किथ एंड किन के साथ शेयर करना वीडियो को। नेक्स्ट है हमारा फर्दर मोर की जगह मोरओवर, इन एडिशन, लाइकवाइज, टुगेदर विद, इन लाइक मैनर, सिमिलरली। फर्दर मोर, इन एडिशन, लाइकवाइज, टुगेदर विद, इन लाइक मैनर, सिमिलरली। ठीक है, आई होप अच्छे से क्लियर होंगे। अगर हम नेक्स्ट की बात करें वो है ऑलमोस्ट। ऑलमोस्ट मतलब लगभग, ठीक है, इसका मतलब ये होता है। सो इसकी प्लेस पर हम क्या यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जब हमें डाटा गिवन होता है, जैसे यहाँ पे 5 है या फिर 10 है ना यहाँ पे, तो जब इसके बीच में ऐसे गिवन होता है तो आप यूज़ कर सकते हो कि अप्रॉक्सीमेटली 7% है, ऑलमोस्ट 7% है, मीन्स लगभग 7% है। जब हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं गिवन होती है तब हम इन वर्ड्स का यूज़ करते हैं हमारे राइटिंग टास्क 1 में। ठीक है, जब हमें एग्जैक्ट नहीं गिवन होता, मैंने आपको एग्जांपल दे दी कि कैसे एग्जैक्ट वैल्यू हमें नहीं गिवन होती तब हम इसका यूज़ करेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से अपने माइंड में बिठा लो और इम्प्लीमेंट किया करो। ठीक है, सबसे पहले कौन सा है हमारा, नियरली। ठीक है, नियरली इसका मतलब भी होता है लगभग। ठीक है, नेक्स्ट है नियर बाय। ठीक है, थर्ड है हमारा अबाउट, फोर्थ है हमारा रफली, नेक्स्ट है हमारा जस्ट ओवर, देन अप्रॉक्सीमेटली, देन अराउंड, ओके, एंड लास्ट है हमारा जस्ट अंडर। एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, नियरली, नियर बाय, अबाउट, रफली, जस्ट ओवर, अप्रॉक्सीमेटली, अराउंड, जस्ट अंडर, ये सारे किसके अल्टरनेटिव वर्ड्स हैं, ऑलमोस्ट के। बिटवीन के साथ हमेशा एंड आएगा और फ्रॉम के साथ हमेशा टू आएगा। ठीक है, अगर आपको पैसेज में बिटवीन गिवन है तो आप उसको चेंज करेंगे फ्रॉम के साथ, लेकिन फ्रॉम के साथ आएगा टू। अगर आपको गिवन है क्वेश्चन में फ्रॉम, तो आप उसको चेंज करोगे बिटवीन में, लेकिन आएगा एंड, फ्रॉम के साथ टू। ठीक है, बिटवीन के साथ एंड, आई होप अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, ऑल्सो, नेक्स्ट है हमारा ऑल्सो। ऑल्सो की जगह पर हम क्या यूज़ कर सकते हैं, टू, बिसाइड्स, एज वेल, अलोंग विद। ठीक है, ये सारे वर्ड्स आप यूज़ कर सकते हो ऑल्सो की प्लेस पर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा फास्टली।
फास्टली की जगह पर हम क्या यूज़ कर सकते हैं, रैपिडली, क्विकली, स्विफ्टली. रैपिडली, क्विकली, स्विफ्टली. स्लोली की जगह ग्रेजुअली, स्टीडली. ग्रेजुअली, स्टीडली. सो गाइस, अब आप लोग इस डायग्राम को देखो, ठीक है. इस डायग्राम में आपको पता लग जाएगा कि किसको हम रैपिड कहते हैं, ग्रेजुअल करते हैं कहते हैं, कांस्टेंट कहते हैं, फ्लक्चुएशंस कहते हैं. सारा कुछ इस डायग्राम की हेल्प से क्लियर होगा. सबसे पहले जब आपको बिल्कुल सीधी लाइन दी होती है तो वो होती है कांस्टेंट, ठीक है. कांस्टेंट के मैंने आपको अल्टरनेटिव वर्ड्स पीछे बता दिए हैं, ठीक है, जैसे रिजिड, नो चेंज, ठीक है. तो जब भी स्ट्रेट लाइन होगी तो वो होगा कांस्टेंट, ठीक है. अब ये क्या हो रहा है, जब ऐसी लाइन होगी तो वो हो रहा है इंक्रीज. सीधी ऐसे इंक्रीज होता है, बिल्कुल अगर सीधी जा रही है तो इंक्रीज हो रहा है. अगर थोड़ी धीरे धीरे ऊपर को जा रही है तो वो होता है ग्रेजुअल इंक्रीज, मतलब धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है, ठीक है. अगर ऐसे बिल्कुल सीधी जा रही है तो इंक्रीज होता है, अगर धीरे धीरे ऊपर को जा रही है तो वो ग्रेजुअल इंक्रीज होता है, ठीक है. लेकिन जब हमारी लाइन है वो इस डायरेक्शन में ऊपर को जाती है तो होता है वो रैपिड इंक्रीज, मतलब बहुत तेज़ी से इंक्रीज होना, ठीक है. अगर वही लाइन नीचे को धीरे धीरे आ रही है, ठीक है, तो होगा ग्रेजुअल डिक्रीज. अगर इस फॉर्म में नीचे आएगी तो ये होगा रैपिड डिक्रीज, लेकिन ये धीरे धीरे आ रही है तो है ग्रेजुअल डिक्रीज. ये देखो रैपिड डिक्रीज होगा ये वाला, अगर ऐसा डिक्रीज होता तो ग्रेजुअल, अगर ऐसा डिक्रीज है तो रैपिड, ठीक है. ये हो गया हमारा रैपिड इंक्रीज जब इस फॉर्म में जा रही है. अगर ऐसे जा रही है तो इंक्रीज, अगर धीरे धीरे जा रही है तो ग्रेजुअल इंक्रीज. अब अगर डाटा आपको इस फॉर्म में गिवन है तो इट मीन्स ये क्या हो रही है, फ्लक्चुएशंस हो रही हैं. जब हमें डाटा ऐसे गिवन होता है तो ये होती हैं फ्लक्चुएशंस. आई होप अच्छे से क्लियर होगा. सीधी लाइन होती है हमारी कॉन्स्टेंट, थोड़ा डिक्रीज हुआ ग्रेजुअल, थोड़ा इंक्रीज हुआ ग्रेजुअल इंक्रीज, ज़्यादा इंक्रीज हुआ रैपिड इंक्रीज, तेज़ी से डिक्रीज हुआ रैपिड डिक्रीज, ठीक है. रैपिड इंक्रीज, रैपिड डिक्रीज, ये फ्लक्चुएशंस, ठीक है. अब हम बात करते हैं कनेक्टर्स की. कनेक्टर्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है. सो फर्स्ट कनेक्टर आप यूज़ कर सकते हो फर्स्टली, देन सेकेंडली, नेक्स्टली, आफ्टर दैट, देन सब्सिक्वेंटली, लास्ट बट नॉट लीस्ट, इवेंचुअली. एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, फर्स्टली, सेकेंडली, नेक्स्टली, आफ्टर दैट, देन सब्सिक्वेंटली, लास्ट बट नॉट लीस्ट, इवेंचुअली. क्योंकि कनेक्टर्स को चेंज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. अगर कनेक्टर सेम होंगे तो ऑब्वियसली बैंड्स को रैप के डिडक्ट होंगे. सो गाइस, इस डायग्राम को आप अच्छे से देख लो, ठीक है. आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ये फ्रूटफुल होगी अगर आप इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेते हो, ठीक है. सो अब हम लोग बात करते हैं हमारे आज के क्वेश्चन की, कि हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, कैसे हम कॉम्बिनेशन को लिख सकते हैं. फिर से मैं आपको यही बात कहना चाहती हूँ कि जिनको सिंपल लिखना नहीं आता वो सबसे पहले इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करो, देन आप प्लेलिस्ट में जाके मेरे सैम्पल आंसर को चेक कर सकते हो, ठीक है. पहले आप सिंपल को क्लियर करो फिर कॉम्बिनेशन के ऊपर आओ, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो ज़्यादा बेनिफिशियल है. अगर हम सीधा ही फर्स्ट स्टेयर से फिफ्थ स्टेयर पर जाएंगे तो ऑब्वियसली उसके बैड इम्पैक्ट्स हमारे बैंड स्कोर के ऊपर पड़ेंगे ही पड़ेंगे, ठीक है. सो इसी वजह से मैं बोल रही हूँ कि पहले आप लोगों ने उसको देखना है, फिर आप लोगों ने इसको देखना है, ठीक है. ये कॉम्बिनेशन है, ये एडवांस लेवल है. बेसिक लेवल कौन सा हो गया, जो सिंपल वाला होता है, ठीक है. सो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं. आज हम लोग जो कॉम्बिनेशन वाला करेंगे वो किसका कॉम्बिनेशन होगा, लाइन और बार का कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है. इन दोनों का कॉम्बिनेशन आज हम लोग डिस्कस करेंगे. सबसे पहले जो क्वेश्चन क्या है वो है, द लाइन ग्राफ शोज विजिट टू एंड फ्रॉम यूके
1979 to 1999, and bar graph shows the most popular countries by UK resident in 1999. ठीक है, इसमें उन्होंने हमें क्या बोला हुआ है कि जो लाइन ग्राफ है ना वो क्या बता रही है, जो यूके ने ट्रैवल किया है दूसरी कंट्रीज़ में उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, और जो और कंट्रीज़ के लोग यूके में आए हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। सपोज यूके है, ठीक है, जो दूसरी कंट्री के लोग यूके में आए हैं, ठीक है, उनके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, और जो यूके के लोग बाहर गए हैं किसी और कंट्रीज़ में उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। ठीक है, टू और फ्रॉम की इंफॉर्मेशन हमें गिवन है कि लोग जो आ रहे हैं यूके में और जो यूके के लोग फॉरेन कंट्रीज़ में जा रहे हैं उसके बारे में हमें बताया गया है, किस में, लाइन ग्राफ में। ठीक है, जो लोग आए हैं और जो यूके के बाहर गए हैं, और बार ग्राफ में क्या बताया हुआ है कि उन कंट्रीज़ के बारे में बताया हुआ है जो कि में बहुत ज़्यादा जो पॉपुलर कंट्रीज़ हैं, मीन्स यूके के लोग हैं जो कंट्रीज़ को पसंद करते हैं, उसके बारे में बार चार्ट में बताया गया है कि कौन सी कंट्री को वो कितना पसंद करते हैं। ठीक है, यूके के लोगों की फेवरेट कंट्रीज़ के बारे में उन्होंने हमें बताया हुआ है। ठीक है, पहले लाइन ग्राफ में था कि जो यूके के लोग बाहर जा रहे हैं या फिर बाहर के लोग जो अंदर आ रहे हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल रही है हमें लाइन ग्राफ में, और बार ग्राफ में क्या बताया हुआ है, यूके के लोगों की फेवरेट कंट्रीज़ के बारे में बताया हुआ है। ठीक है, एक बार मैं आपको शो करती हूँ ग्राफ्स। ओके, ये है हमारे आज के ग्राफ्स, पहले वाला लाइन और ये है बार। ठीक है, अब जो देखने वाली बात है वो क्या है, विजिट टू एंड फ्रॉम यूके, इसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि जो लोग आए हैं यूके में और जो बाहर गए हैं वो लाइन ग्राफ में है, और फेवरेट कंट्रीज बार में है। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट जो बहुत बच्चे नहीं करते हैं वो ये है कि वो देखते नहीं हैं कि हमें डाटा किस फॉर्म में गिवन है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो मिलियंस में गिवन है, ये भी मिलियंस में गिवन है, नहीं तो बच्चे क्या करते हैं इसके साथ भी परसेंटेज ही लगा देते हैं। नो, आपने फर्स्टली यही चेकआउट करना है कि किस में आपको डाटा गिवन है। ठीक है, फिर आपने देखना है कि कौन सी लाइन किसकी है और कौन सी किस कैटेगरी की है। ठीक है, सो ये वाली जो सिंपल लाइन है इसमें क्या बोला हुआ है, विजिट अब्रोड बाय यूके रेजिडेंट, ये वाली जो सिंपल लाइन है ना ये वो है जो यूके के लोग बाहर गए थे। ठीक है, उसके बारे में बताया है, जो कि यूके वाले किसी और कंट्री में गए थे उसके बारे में इस लाइन में बताया है। और दूसरी लाइन में क्या बताया हुआ है, विजिट टू यूके बाय ओवरसीज रेजिडेंट, बाहर के लोग जो यूके में आए हैं उसके बारे में हमें इसमें बताया है। ठीक है, ये वाली है जो यूके वाले बाहर गए हैं, और ये वाली नीचे वाली है जब बाहर के लोग यूके में आए हैं। ठीक है, और यहाँ पे देख लो किसको ज़्यादा प्रेफरेंस है, इन दोनों को ज़्यादा प्रेफरेंस है, फ्रांस और स्पेन को। ठीक है, ये हो गया। अब जो मेन बात है वो इसका आता है स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर की हम डिस्कशन करते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर देखो, सबसे पहले क्या आएगी, इंट्रोडक्शन आएगी। ठीक है, फिर उसके बाद बॉडी पैराग्राफ वन आएगा, लेकिन बॉडी पैराग्राफ वन में हमने क्या एक्सप्लेन करना होता है, जो हमारा फर्स्ट ग्राफ है। जैसे इस क्वेश्चन में फर्स्ट ग्राफ हमारा लाइन है, तो बीपी वन में हमने सबसे पहले लाइन को एक्सप्लेन करना है। अगर आपके क्वेश्चन में सबसे पहले टेबल है तो आपने टेबल को बीपी वन में एक्सप्लेन करना है, बीपी टू में जो सेकेंड ग्राफ होगा उसको एक्सप्लेन करना है। जैसे इस क्वेश्चन में बार ग्राफ है, सो इसी वजह से मैं बार ग्राफ बीपी टू में लिखूंगी, जो पहले है उसको बीपी वन में, जो बाद में है वो बीपी टू में, और ओवरऑल हमेशा लास्ट में लिखना है। ठीक है, ये था हमारा कॉम्बिनेशन का स्ट्रक्चर। सैम्पल आंसर की स्टार्टिंग करते हैं, सबसे पहले क्या आएगी, हमारी इंट्रोडक्शन। सो सबसे पहले मैंने सिंपल इंट्रोडक्शन आपको लिखकर बताई है, जो लोग सिंपल लिखना चाहते हैं वो सिंपल लिखे, जो
पैसिव वाली लिखना चाहते हैं वो पैसिव लिखें, क्योंकि पैसिव वाली है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है, वो हमारे बैंड स्कोर में बहुत हद तक इम्प्रूवमेंट करती है। ठीक है, सो देखो, सबसे पहले हमने फर्स्ट जो हमारा ग्राफ है उसके बारे में हमने बताया है, द लाइन ग्राफ। हमारा सबसे पहला ग्राफ कौन सा था? लाइन ग्राफ था। प्रोवाइड्स इन्फॉर्मेशन अबाउट द विजिटर, विजिटर के बारे में इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, हु वेंट टू अब्रोड, जो कि अब्रोड गए हैं। ठीक है, अलॉन्ग विद, साथ साथ, दोज हु केम टू यूनाइटेड किंगडम, और जो लोग यूनाइटेड किंगडम में आए हैं उसके बारे में इस लाइन ग्राफ में बताया गया है। कौन से टाइम पीरियड में? बिटवीन 1979 एंड 1999। सो देखो, मैंने क्या बोला कि जो लाइन ग्राफ है वो प्रोवाइड कर रहा है इन्फॉर्मेशन विजिटर के बारे में जो कि अब्रोड गए हैं यूके से। ठीक है, और उनके बारे में भी जो यूके में आए हैं। ठीक है, टाइम पीरियड बता दिया, ठीक है, बिटवीन के साथ एंड का यूज़ कर दिया। ये हो गई हमारी लाइन ग्राफ की इंट्रोडक्शन। इसके साथ ही, बिल्कुल साथ ही, इसके क्या होगी? बार ग्राफ की स्टार्ट होगी। तो मैंने वाइल का यूज़ किया। बार ग्राफ शोज़, जो बार ग्राफ है वो शो कर रहा है डाटा अबाउट द एमिनेंट नेशंस फॉर यूके रेजिडेंट इन 1999, कि जो बार ग्राफ है वो उसके बारे में बता रहा है जो कि एमिनेंट नेशंस है। एमिनेंट मीन्स जो फेमस नेशन है यूके के रेजिडेंट्स के लिए, मीन्स यूके के लोगों के लिए जो एमिनेंट कंट्रीज़ हैं उसके बारे में हमें बताया गया है। कौन सा टाइम पीरियड? 1999। ये वाली हो गई हमारी सिंपल। ठीक है, दोनों को कंबाइन करके हमने लिखना होता है, पहले फर्स्ट वाली देन सेकंड वाली। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं पैसिव की। तो पैसिव में आपने कुछ नहीं करना होता, बहुत सिंपल होता है, एक बार इसको रीड करके देखो। तो यहाँ पे मैंने बोला हुआ है, द इंफॉर्मेशन अबाउट द विजिटर हु वेंट टू अब्रोड अलॉन्ग विद दोज हु केम टू यूनाइटेड किंगडम बिटवीन दिस एंड दिस इज डिपिक्टेड बाय द रेंडर्ड लाइन ग्राफ। अब देखो, बिल्कुल सेम है जो मैंने पीछे लिखी है सिंपल वाली, चेंज क्या किया है वो देखो। मैंने क्या किया, सिंपल वाली से लाइन ग्राफ को कट कर दिया। ठीक है, बाकी यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने सेम लिखी, वहाँ पर जस्ट मैंने ग्राफ का नेम क्या कर दिया, रब कर दिया सिंपल में। आप देख सकते हो बिल्कुल सेम है यहाँ तक। ठीक है, और लास्ट में मैंने इसको पैसिव बनाने के लिए कौन सा सेंटेंस यूज़ किया, वो है इज डिपिक्टेड बाय द रेंडर्ड लाइन ग्राफ। ये वाली लाइन है ना, इससे पैसिव क्रिएट हो जाता है। ठीक है, अगर यहाँ पे हमें पाई गिवन होता मैं पाई चार्ट लिख देती, अगर प्रोसेस होता तो प्रोसेस लिख देती, बाकी सारा सेम रहेगा। ये लाइन आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, किसी भी टाइप की इंट्रोडक्शन है उसमें ये लाइन ऐड होगी। लेकिन अगर आपको लाइन ग्राफ के टू टाइप्स गिवन होती तो इसकी जगह क्या आता? आर आता। ठीक है, क्योंकि टू थे, लेकिन अब इस क्वेश्चन में हमें एक है, सो दैट्स वाई मैंने इसका यूज़ किया है। ठीक है, बाकी सारी सेम है, जस्ट सिंपल में मैंने जो लाइन ग्राफ था उसको कट कर दिया और ये वाली लाइन के साथ लाइन ग्राफ को ऐड किया, इज़ डिपिक्टेड बाय द रेंडर्ड लाइन ग्राफ। बाकी सारी सिंपल वाली है यहाँ तक, आप देख सकते हो पीछे वाली रीड करके और ये वाली रीड करके, कोई चेंज नहीं है, जस्ट इसी को ही मैंने चेंज किया है। ठीक है, और ये जो हमारी बार ग्राफ की है ये मैंने सिंपल ही रहने दी। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ ना पैसिव प्लस सिंपल। ठीक है, दोनों का कम्बिनेशन करके मैंने लिखी है इंट्रोडक्शन। ठीक है, वाइल बार ग्राफ शोज़ द डाटा, जो बार ग्राफ है वो शो कर रही है डाटा जो कि फेमस कंट्रीज़ हैं यूके के लिए 1999 में। ठीक है, बॉडी पैराग्राफ वन में हमने क्या एक्सप्लेन करना है? लाइन ग्राफ को एक्सप्लेन करना है। सो सबसे पहले मैंने कनेक्टर यूज़ किया इनिशियली का, इट कैन बी सीन क्लियरली फ्रॉम द लाइन ग्राफ, हम क्लियरली देख सकती हैं लाइन ग्राफ से, विच एक्सपाउंड दैट, जो लाइन ग्राफ हमें एक्सपाउंड करता है मींस एक्सप्लेन करता है, विजिट अब्रोड बाय ब्रिटेन मासेस वाज ऑलमोस्ट 4 मिलियंस मोर देन दोज हु केम देयर। मैंने क्या बोला कि ये हम क्लियरली देख सकते हैं लाइन ग्राफ से, जो एक्सप्लेन करता है कि जो विजिट
किया गया है अब्रोड में किनके द्वारा, ब्रिटेन के द्वारा। ब्रिटेन कौन होते हैं, जो हमें यूके के लोग होते हैं उनको हम ब्रिटेन भी बोलते हैं, ठीक है। अल्टरनेटिव वर्ड यूज़ किया मैंने यूके की जगह ब्रिटेन, कि जो ब्रिटेन के लोगों ने बाहर विजिट किया है वो कितना ज़्यादा है, 4 मिलियन ज़्यादा है किनके कंपैरिजन, जो लोग यूनाइटेड किंगडम में आए हैं, ठीक है। जैसे सपोज करो कि जो लोग यूनाइटेड किंगडम में आए हैं वो कितनी है, 6 मिलियन है, ठीक है। सपोज करो, ये मैं ऐसे पिक कर रही हूँ, ठीक है, कि वो 6 मिलियन है। लेकिन जो यूके के लोग बाहर गए थे वो कितने हैं, 6% से 4 मिलियन क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। मीन्स वो कितने होंगे, 10, 6 में अगर हम 4 प्लस करें तो वो कितना होता है, 10 होता है। तो मैंने बोला ना 4 मिलियन ज़्यादा है, सो इट मीन्स कि वो 10 मिलियन पर हैं। अब मैं आपको वहाँ पे लेकर चलती हूँ और देखते हैं कि क्या क्या डाटा हमें गिवन है। सो आप देख सकती हो कि ये वाली जो लाइन है ना हमें गिवन, ये वाली है कि जो लोग यूके के बाहर गए हैं, और ये वो वाली है कि जो बाहर के लोग यहाँ पर आए हैं, ठीक है, यूके में। सो देखो ये कितनी है, 10 है, ठीक है। तो मैंने बोला अबाउट 4%। अब ये देखो ना कि ये 20 को तो इसने टच नहीं किया और 10 से ये थोड़ा सा ऊपर है। सो मैंने कौन सा वर्ड यूज़ किया, अबाउट 4%, कि 4% ज़्यादा है उन लोगों से जो कि यूके में आए हैं, ठीक है। सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ, मैंने बोला कि जो प्रपोर्शन है उन लोगों की जो कि यूके के लोग बाहर गए हैं वो कितनी है, 4% ज़्यादा है किसके, जो लोग यूके में आए हैं। मतलब यूके से लोग ज़्यादा गए हैं और आए कम है। आए कितने हैं, 10, और यूके वाले गए कितने हैं, 14। आई होप अच्छे से क्लियर होगा आपको ये वाला कंसेप्ट। फिर मैंने कनेक्टर यूज़ किया आफ्टर दिस, मैंने बोला वेदर फ्रॉम यूके इंडिविजुअल्स और इन ग्रेट ब्रिटेन विजिट्स वर इंक्रीज कंसिडरेबली, कि जो यूके के लोग बाहर गए हैं वो वाले और जो यहाँ पर आए हैं वो दोनों क्या हुए हैं, इंक्रीज हो रहे हैं धीरे धीरे। कंसिडरेबली मतलब धीरे धीरे वो इंक्रीज हो रहे हैं, जो लोग आए हैं और जो गए हैं यूके से। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि ये धीरे धीरे क्या हो रही है, दोनों इंक्रीज हो रही हैं, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे हो रही हैं, ग्रेजुअल इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। फिर मैंने बोला आफ्टर 1984 के बाद देर वॉज ए ड्रास्टिक सर्च अकर इन द प्रपोर्शन ऑफ इंग्लैंड इंडिजीनियस ट्रैवलिंग टू अनदर कंट्री एंड इवन इट वॉज रीच्ड एट 50 मिलियंस एट द एंड ऑफ द ईयर। मैंने बोला 1984 के बाद बहुत तेज़ी से इंक्रीज हुआ, ड्रास्टिक मीन्स तेज़ी से इंक्रीज हुआ, सर्ज होता है इंक्रीज होना, ड्रास्टिक तेज़ी और ये होता है इंक्रीज, तेज़ी से इंक्रीज हुआ इंग्लैंड के इंडिजीनियस के ऊपर। इंग्लैंड कौन, यूके के जो लोग हैं जिन्होंने दूसरी कंट्रीज़ में ट्रैवल किया है उनकी प्रपोर्शन क्या हुई है, बहुत तेज़ी से इंक्रीज हुई है। मीन्स कि जो यूके के लोग बाहरली कंट्रीज़ में ज़्यादा जा रहे थे, ठीक है, यूके वाले बाहर ज़्यादा जा रही हैं उसमें ज़्यादा तेज़ी से इंक्रीज हुआ है, ठीक है। और ये कहाँ पे रीच हो चुका था, ओवर 50 मिलियन। ये जो डाटा है ये 50 मिलियन से भी ज़्यादा हो चुका था, कब, एंड ऑफ द ईयर, ईयर के एंड में ये डाटा 50 मिलियन को भी क्रॉस कर चुका था, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि 1984 के बाद बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ आया किसमें, इंग्लैंड वाले लोगों के बीच में जो कि बाहरली कंट्रीज़ में ज़्यादा जा रहे थे। मींस यूके वाले बाहर ज़्यादा जा रहे थे, उनकी प्रपोर्शन तेज़ी से इंक्रीज़ हो चुकी है, और ये 50 यहाँ तक क्या हमारा 50, ठीक है, तो ये 50 से ज़्यादा थी। तो इसीलिए मैंने बोला कि ये 50 मिलियन को क्रॉस कर चुकी है।
देख सकते हो कि ये जो वैल्यू है पूरे ग्राफ की हाईएस्ट वैल्यू है, ठीक है, और कोई भी 50 को क्रॉस नहीं किया है, जस्ट इन्होंने ही क्रॉस किया हुआ है। आगे मैंने बोला हुआ है ना, इट वॉज़ ए हाईएस्ट पॉइंट ऑफ दिस एंटायर चार्ट, इस पूरे चार्ट का ये हाईएस्ट पॉइंट था, ठीक है। नेक्स्ट मैंने कनेक्टिव यूज़ किया इन कंट्रास्ट का, विजिट्स टू यूके आल्सो आर्टिकुलेट सेम अप्रोच, हाउएवर इट डिड नॉट सरपास अप्रॉक्सीमेटली 50 मिलियन इन 1995। तो मैंने बोला इसके ऑपोजिट, कंट्रास्ट मीन्स इसके ऑपोजिट, कि जो विजिट्स हुई हैं यूके में, मींस बाहरली कंट्रीज़ के जो लोग यूके में आए हैं वो भी सेम अप्रोच को ही शो कर रहे हैं, मींस वो भी इंक्रीज ही हो रहे हैं, ठीक है। हाउएवर कॉन्ट्राडिक्ट किया, इट डिड नॉट सरपास अप्रॉक्सीमेटली 25 मिलियन इन 1999, लेकिन वो क्रॉस नहीं कर पाए 25 मिलियन को, हो तो वो इंक्रीज़ ही रहे हैं लेकिन उन्होंने 25 मिलियन को क्रॉस नहीं किया है, जबकि जो यूके वाले लोग थे, ठीक है, जो यूके के लोग बाहर गए थे उन्होंने 50 मिलियन को क्रॉस कर दिया था, लेकिन यूके में आने वाले लोगों ने 25 को क्रॉस नहीं किया है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, मैंने अप्रॉक्सीमेटली का यूज़ किया, मीन्स लगभग, ठीक है, सो इन्होंने इसको क्रॉस नहीं किया है। नेक्स्ट देखते हैं बॉडी पैराग्राफ 2, ठीक है, इसमें मैंने क्या बोला, द बार चार्ट एक्सप्लिकेट दैट देर वॉज ए माइनर डिफरेंट सीन इन नॉट ओनली फ्रांस बट ऑल्सो इन स्पेन। बार चार्ट क्या एक्सप्लेन करता है कि बहुत थोड़ा डिफरेंस है किस में, फ्रांस में और स्पेन में, ठीक है, दोनों में बहुत कम डिफरेंस है, माइनर मीन्स कम डिफरेंस है, ठीक है, वहाँ पर बताती हूँ। ये देखो, ये हमारा स्पेन, ये हमारा फ्रांस, इनके बीच में बहुत कम डिफरेंस है, इनके कंपैरिजन इन दोनों के बीच में कम डिफरेंस है, सो दैट्स व्हाई मैंने बोला माइनर डिफरेंस है, माइनर मींस कम डिफरेंस होना। नेक्स्ट मैंने बोला वेयर एज यूएसए रेशियो वाज 1% लेस देन ऑफ, सो गाइस यहाँ पे आएगा 5 मिलियन, मींस 5 मिलियन से 1% कम है किसकी रेशियो, यूएसए की, ठीक है, यूएसए 5% से 1% कम है, 5 से 1 कम है, तो इट मीन्स वो कितना है, 4। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो ये 5 है, ये क्या हो गया फिर 4, ठीक है। इवेंचुअली लीस्ट प्रेफरेंस वर गिवन बाय ग्रेट ब्रिटेन टू टर्की एज कंपेयर टू अदर्स। मैंने क्या बोला, सबसे कम प्रेफरेंस किसको मिली है, टर्की को ही मिली है दूसरे के कंपैरिजन। आई होप अच्छे से क्लियर होगा आप लोगों को, ठीक है। सो ओवरऑल में मैंने क्या बोला, ये बात क्लियर होती है अफरमेंशन चार्ट से, जो कि एक्सप्लेन करते हैं ऑल कैटेगरीज, सभी कैटेगरीज लाइन ग्राफ में उन्होंने एक्सपीरियंस किया है अपवर्ड ट्रेंड को, हैड एक्सपीरियंस अपवर्ड ट्रेंड, एंड फ्रांस वॉज द मोस्ट रिनाउंड प्लेस अमंग दैम। और जो फ्रांस है वो ज़्यादा रिनाउंड है, रिनाउंड मीन्स फेमस थी यूके के बीच में, ठीक है, फ्रांस ज़्यादा फेमस थी, और जो लाइन ग्राफ की सभी कैटेगरीज हैं उन्होंने अपवर्ड ट्रेंड ही एक्सपीरियंस किया है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये भी क्या है, अपवर्ड है, और ये भी क्या है, अपवर्ड है, ठीक है, चाहे ये थोड़ी धीरे हुई है लेकिन हुई तो इंक्रीज ही है ना, सो इसी वजह से मैंने बोल दिया कि दोनों ने एक्सपीरियंस किया अपवर्ड ट्रेंड, और मोस्ट रिनाउंड कौन सी है, फ्रांस, फ्रांस ज़्यादा फेमस थी, ठीक है। आई होप आपको आज का टॉपिक अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर आपको ये वीडियो बेनिफिशियल लगी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल थी या फिर नहीं थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग IELTS with MK चैनल।